कहते हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये कथन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। कांग्रेस आलाकमान पर ये कहावत बेहद सटीक बैठ रही है। बीते कई दिनों से गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। क्या आम और क्या खास सब टकटकी लगाए प्रत्याशी के नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस कौन से नेता को निशिकांत दुबे को धोबी पछाड़ देने के लिए मैदान में उतारेगी। इसको लेकर कई नाम की चर्चा तेज थी, जिसमें सबसे मजबूत भागीदारी पोड़ैयाहाड़ विधायक प्रदीप यादव की नजर आ रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये मान चुके थे कि आलाकमान का फैसला या तो प्रदीप यादव के पक्ष में होगा या फिर फुरकान अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर कांग्रेस गोड्डा लोकसभा में मजबूत तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। लेकिन 16 अप्रैल की वो शाम जब पार्टी ने धनबाद समेत गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी का ऐलान किया, तो उसके बाद ये फैसला गोड्डा लोकसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विस्फोटक साबित हुआ। तीनों सीट पर पार्टी ने अगले समाज को प्राथमिकता दी, बस फिर क्या था, क्योंकि शाम को टिकट का ऐलान हुआ, इस वजह से कार्यकर्ताओं के बीच मायूसी छा गई। किसी तरह रात काटी गई, उसके बाद सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया और जिले में गर्मी के साथ साथ राजनीतिक तापमान भी ऊपर जाने लगा। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के अंदर आक्रोश में नजर आए। उन्होंने गुलाम मीर और राजेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गांठ का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश इस कदर था कि कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय के अंदर काबू करने में मुश्किल होने लगी। राजेश ठाकुर मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे, साथ ही कांग्रेस आलाकमान को अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले फैसले को लेकर पुनर्विचार करने की चेतावनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी। क्या कुछ कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, सुनिए। तो कांग्रेस का कहता है इस पर सोचने के लिए वंचित हो जाएगा और अपने लीडर बन ले लेगा। इसलिए सर, इससे पहले यहाँ दुबे उम्मीदवार कह रहा था कि हम कोई आए नहीं, हम नौलाख से जीतेंगे और कुछ के जीतेंगे, इसका मतलब इसका साबित जरूर था। क्यों बोल रहा था पहले से नौलाख से जीतेंगे हम, ये निर्णय था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूर खत बिक्री हुआ है। कई कांग्रेस महीना पहले मिस्टर निशिकांत दुबे ने घोषणा किया था कि हमारे अनुसार ही कैंडिडेट लोकसभा का कांग्रेस देगी, एक महीना पहले। और उसने अपने मोबाइल पर हम लोगों ने पढ़ा, वो कहा कि निशिकांत को ही मिलेगा टिकट, देख लीजिएगा। और वही हुआ, इसका साफ अर्थ है कि हमारा जो नेतृत्व है राज्य का वो टिका हुआ है, स्पष्ट बात है। और हम चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करे, बहुत लगन से और मेहनत करके बहुत एक अच्छा टीम बनाए थे। और यह आज देखने को मिल रहा है, यह टीम के अनुसार, यानी हम लोगों के पार्टी के अनुसार, हम लोग कार्यकर्ता के अनुसार कैंडिडेट नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतना भागीदारी, लेकिन वो खुद भागीदारी से मुकर गए। दूसरी नंबर में दुबे जी जब अडानी कंपनी के बारे में बोले थे कि हम अडानी कंपनी ला रहे हैं, उस पर हमारे मैडम जी कहे थे कि यह कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी, अच्छा काम करेगी। वह आज अच्छा दिन हम लोगों को कोटावासी को देखने के लिए मिल रहा है कि कितना अच्छा हम लोगों का विकास हो रहा है। और हम लोग अगर यह इंटीमेटर देते हैं कि हम लोगों के अनुसार, यानी कार्यकर्ता के अनुसार, अगर कांग्रेस पार्टी निर्णय करे पुनः, तो हम लोग तैयार हैं, वरना हम लोग सामूहिक इस्तीफा, पूरा बड़ा सामूहिक इस्तीफा कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। एक नंबर की जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का एक मार्च में वो जो घोषणा था कि मोहब्बत की, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, लेकिन हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस दोनों बातों पर आज अमल नहीं किया। जहां तक हिस्सेदारी की बात होती, तो उस भागीदारी की हिस्सेदारी में भी गोटा बहुत पीछे रहा, इसको विस्तार नहीं किया गया। दूसरा, हमें लगता है कि मोहब्बत की दुकान खोलने के बजाय यहाँ नफरत का बाजार शुरू कर दिया गया।